लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। तो ऐसा करो कि शाम को तुम घर ले आओ। चलो ठीक है, फिर शाम में होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। रुबीना का फोन आया था, बहुत अच्छा रिश्ता बता रही है। अकेला लड़का है, अपना जनरल स्टोर है और घर भी अपना है। एक बहन है जो शादीशुदा है, अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहती है। आजकल उसकी बहन आई हुई है अपने भाई की शादी करवाने के लिए। कल वो लोग आ रहे हैं और लड़का भी अपनी बहन के साथ आ रहा है तुम्हें देखने के लिए। बस उम्र में थोड़ा सा बड़ा है, यही कोई 35 साल का होगा। माँ बाप सर पे नहीं थे ना उसके, इसीलिए उसकी शादी लेट हो गई। बस बेटा, अल्लाह करे तुम्हारा यहाँ रिश्ता हो जाए और तुम भी अपने घर की हो जाओ। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। रयान की बहन फाखरा तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। फौरन सानिया के हाथ में उसने शगुन के तौर पे पैसे रख दिए। और तुम्हें पता है, मैंने भी हाँ करने में देर नहीं की है। अच्छा था किया खाला आपने, आजकल इतने अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। लो भाई, तुम भी मुंह मीठा करो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे रयान के साथ, दोनों खुश रहो। आमीन। मेरा भी तो मुंह मीठा करवा दें खाला। हाँ 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 भाई, तुम भी मुंह मीठा करो, तुम भी बहन लगती हो इसकी। और देखो, शादी के सारे इंतजाम तुम ही ने संभालने हैं। लो भाई, हमारे पार्लर में एक और दुल्हन की बुकिंग आ गई है। अच्छा चलो, ये चीजें समेटो बस अब। तुम तो शर्माती भी कितनी मासूम लगती हो। लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। सानिया, सानिया आंखें खोलो, मैं अपने आप को तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। क्या ये लम्हा यहां थम नहीं सकते? मेरी आंखों में तो ये मंजर हमेशा के लिए बस चुका है, और मेरी आंखें तो अब सिर्फ आपके सपने देखेंगे। अब जिंदगी भर मैं तुम्हारे हाथों में मोहब्बत की मेहंदी से अपना नाम लिखा देखूंगी। इस मोहब्बत की मेहंदी से मोहब्बत को भी मोहब्बत हो जाएगी।